हाय, आज मैं आपके साथ कुमाऊं की बहुत ही प्रसिद्ध भटकी चूड़वानी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको हम ब्लैक सोयाबीन लेंटिल भी कहते हैं और ये प्रोटीन में बहुत हाई होती है और ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। इसके लिए हमको इस तरीके के भटके दाने लेने हैं जिनको हमने रात भर सोख करके रखा है। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट लिया है, टोमेटो प्यूरी 3 टमाटर की, सूखे मसालों में हमने नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1/4 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ये भी 1/2 चम्मच और 1 चम्मच कसूरी मेथी। हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे जो हम लगभग 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी दाल को हम बनाएंगे सरसों के तेल में और ये कढ़ाई में ही बनती है। इसका जो स्वाद असली निकल के आता है वो कढ़ाई में ही बन के आता है। और सूखे मसालों में हमने और यहाँ लिया है जीरा और अजवाइन 1 चम्मच, कुछ लवंग के पीसेस 3 से 4 और 1 तेज पत्ता। तो चलिए हम बनाते हैं अपने कुमाऊं की। प्याज अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें जो टमाटो प्यूरी बनाई है हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम तब तक चलाएंगे जब हमारा टमाटर प्याज के साथ में अच्छे से घुल मिल जाए। अब हमारा टमाटर जब पक रहा है हम उसी में अपने सारे सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। आप चाहें तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आप बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ कि उसका जो फ्लेवर है साथ में मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा टमाटर प्याज का मिक्सचर अच्छे से पक गया है और इसमें कुछ लोग गेहूं का आटा, लगभग 1 कटोरी गेहूं का आटा भी डालते हैं, पर मैं वो नहीं डालूंगी। अब मैंने अपनी भटकी दाल इसमें पूरी डाल दी है। गैस की आंच मैंने बिल्कुल स्लो करके रखी है। हमको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। पहले हम इसको ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे कि मसाले और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। खाने में बहुत ही टेस्टी दाल होती है और कुमाऊं की तो खास रेसिपी मानी जाती है ये। कोई भी अच्छा ओकेजन हो, त्यौहार हो, शादी हो, उसमें ये दाल बनना बहुत ही ज़रूरी होती है। अब मैं इसमें पानी लगभग 1 कटोरी भर के, मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। 20 से 25 मिनट तक हमको अपनी दाल को पकाना है, जब तक हमारे भट अच्छे से पक जाएं, स्मूथ हो जाएं, उसके बाद हम इसमें हल्का सा तड़का देंगे। तो हम मिलते हैं अब दाल जब पक जाएगी उस समय। ये लीजिए, हमारी भटकी चौखानी बिल्कुल तैयार है। मैंने इस पे घी और हींग का तड़का भी दिया है। आप इस पे थोड़ा सा हरी मिर्च, धनिया पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं और अगर चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये खाने में उतनी ही टेस्टी है जितनी देखने में लग रही है। तो मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।